बीदर लोकसभा क्षेत्र के सामान्य निर्वाचन अधिकारी दीपांकर महापात्र ने कहा कि 7 तारीख को बीदर लोकसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण व्यवस्थित और निष्पक्ष मतदान कराएं। उन्होंने शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में बीदर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अधिकारियों के साथ वीडियो बातचीत की। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान कराया जाए तथा मतदान केन्द्रों पर मतदान हेतु आवश्यक सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। एआरओ को मतदाता सूचना कार्ड वितरित करने चाहिए, यदि वितरित नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एससी और एसटी टीमों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें गतिशील होकर काम करना चाहिए, क्योंकि मतदान के लिए कुछ दिन बचे हैं। अधिकारियों को उन स्थानों पर नजर रखनी चाहिए जहां सामुदायिक भवन, कल्याण मंडप और अन्य बड़े हॉल हैं, और किसी भी अप्रिय घटना से बचना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि मतदान के लिए बचे 72 घंटे और 48 घंटे को सावधानी से निपटाया जाना चाहिए। इस चुनाव पर्यवेक्षक ईश्वर ने कहा कि वीएसटी और एसएसटी टीमें और अधिक सक्रियता से काम करें और सभी चुनाव खर्च की जानकारी की दैनिक रिपोर्ट समय पर दें। पुलिस पर्यवेक्षक जेएस राजपूत ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को व्यवस्थित ढंग से तैनात किया जाए। जहां 2 या 3 मतदान केंद्र हैं वहां अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात की जाए तथा संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अधिक पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंद रेड्डी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ गिरीश पडोले, जिला पुलिस अधीक्षक चिन्मस विनायसन, बीदर के सहायक आयुक्त लविश ओराडिया, चुनाव तहसीलदार अन्नाराव पाटिल, पुलिस अधिकारी सहित तहसीलदार व अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे।